अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और मैं फ्रिकन फ्राई को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारा फ्रिकन फ्राई हुसैनाबाद मेन फूड स्ट्रीट पे दो स्पॉट्स पे लोकेटेड करता है। आपका एक कराची अलीम के अपोजिट आता है फ्रिकन फ्राई का स्टॉल, कि दो साल पहले ओपन हुआ था। और इसके बाद फ्रिकन फ्राई की शॉप है मेडिकल मेमन डायबिटिक के सामने, वो पूरी शॉप है, उसको वन ईयर हो गए। इसके अलावा फ्रिकन फ्राई के जो आइटम्स हैं ना, फ्रिकन फ्राई सैंडविच हाउस है और उसमें आपको लॉफ सैंडविचेस, पनीनी सैंडविचेस, ब्रेड आर्टिकल ब्रेड हो गई, लॉफ ब्रेड हो गई, ये सारी चीज़ अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा हमारे पास बीफ की और मीट की तकरीबन 20 कैटेगरीज हमारे हैं, जिसमें इंपोर्ट भी होता है और लोकल मीट भी है। इंपोर्ट में हमारे पास टर्की बदल साइज़ आता है, टर्की बेस्ट आता है। सो हम फ्रिकन फ्राई रिप्रेजेंट करता है सैंडविच हाउस को इन पाकिस्तान के अंदर। और हमारे पास सबसे बड़ा सैंडविच है पाकिस्तान का 14.5 इंच की लॉफ ब्रेड के ऊपर आर्टिकल ब्रेड पे होता है। इसके अलावा हमारा एक और सैंडविच अभी लॉन्च होने वाला है, जो एशिया का सबसे बड़ा सैंडविच बनने वाला है, वो 20.5 इंच की ब्रेड के ऊपर होता है। मतलब वो एक यूज सैंडविच है इन स्टैंडर्ड कैटेगरी, मतलब स्टैंडर्ड कैटेगरी में सबसे बड़ा सैंडविच है एशिया के अंदर। सो इस तरीके के बहुत सारे आइटम हम लॉन्च करने वाले हैं और लॉन्च करते रहते हैं, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा कि मस्त इंशाल्लाह। यार ये इनका थोड़ा सा ऑथेंटिक सा टेस्ट है, कोई इन्होंने न्यू डिशेस ट्राई किए हैं। और ये जो अभी हैं, ये तो मैंने फ़िलहाल अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन दिखने में लग रहा है काफ़ी यूनिक सा है। ये रैप करके इन्होंने कुछ बनाया है, और बाकी ये जो मैंने खाया है ये भी बहुत इनका अलग सा टेस्ट था। और बस ये है कि बाकी यहाँ पर जितनी भी डिशेज मैंने ट्राई की उसमें से सबसे मुझे अच्छा लगा ये, यूनिक है थोड़ा सा ना। यार इसका नाम ना बड़ा मुश्किल सा था, मैं भूल गया हूँ, ये मेन्यू में से देना पड़ेगा। रैप करके कुछ नाम है इसका ना, थोड़े बड़ी यूनिक डिशेज है इनके पास ना, बाकियों से मुख्तलिफ यहाँ पे जितने भी हैं। तो